मैं हमारे पहले स्पीकर हाउ टू बिकम्स अ गुड होम्योपैथिक डॉक्टर बड़े कोनामस्क प्रोफेसर लियाकत मिर्जा, आप सबकी तालियों में आज का पहला लेक्चर डॉक्टर लियाकत मिर्जा पेश करें। डॉक्टर साहब प्रोफेसर हैं इंडस यूनिवर्सिटी के और माशाल्लाह बड़ी कमांड रखते हैं हर मौजू पर। इनकी शेर हासिल गुफ्तगू से मुझे उम्मीद है कि आप फायदा उठाएंगे। सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ के लाहौर के हमारे मेहमानाने ग्रामीण और कराची के मौजूद डॉक्टर हजरात व ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दरअसल जो वियानी साहब ने उन्वान दिया है उसकी नौयत इस टाइप की है कि यहाँ पर इस में कुछ आप साहिबान के सामने गुफ्तगू करना मुझे अपनी बेबजाती का तो एहसास है, लेकिन फिर भी चंद रिशात फिक्र हैं जो मैं आपकी खिदमत में गोश गुजार करना चाहता हूँ। सच्ची बात तो यह है कि अच्छा डॉक्टर और बेहतरीन होम्योपैथिक डॉक्टर बनने के लिए किसी न किसी को मशले राह बनाना चाहिए, और मेरी समझ में जो मेरा मर्द मंजिल शनास है जिसके लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं वो इस वक्त वो ये है डॉक्टर मोहम्मद मंसूर, मर्द मंजिल शनास। और एक अच्छे होम्योपैथ को इसकी होम्योपैथ को अगर अपनी मंजिल की तरफ गामजन होना है तो निशान मंजिल बहुत ज़रूरी है। और हमारे सामने मैं आप तमाम डॉक्टर साहिबान से गुजारिश करूँगा कि अगर आपने एक अच्छा होम्योपैथ डॉक्टर बनना है तो इस हस्ती की सीरत का ज़रूर मुतालिया करें। ये किताब आने वाले के लिए और हम सब के लिए मशाल राह है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस आदमी का कमाल है कि इसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। डॉक्टर मोहम्मद मसूद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर मोहम्मद मसूद कुरैशी एक ऐसे डॉक्टर हैं जो सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बहैसियत इंसान, इनके अगर कारहाए नुमाया को यहाँ बयान किया जाए तो यूँ समझिए कि सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। लेकिन थोड़ा सा मैं कराची वाले जो हैं जो आने ये जो आज की नस्ल है इनको डॉक्टर मसूद के बारे में कुछ पता नहीं है। डॉक्टर मसूद को जानने वाले इस दुनिया से रुखसत हो गए और उसमें मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अब्दुल हई आरफी रहमतुल्लाह अलैह थे जो उनके महरम राजे दरूने मैखाना थे, या डॉक्टर मोहम्मद याकूब साहब स्टैंडर्ड होम्यो फार्मेसी के। ये दो डॉक्टर जो हैं ये डॉक्टर मोहम्मद मसूद के यूँ समझे कराची में यारे गार थे। और इन्होंने कराची में जो कराची के अंदर सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ का उस वक्त नाम रोशन किया, आज हम इस बीच को दोबारा इसकी तजदीद कर रहे हैं। सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ आपको पता होना चाहिए कि सन 1935 को आलम वजूद में आई, 1935 में सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ कायम हुई। और सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ को तनावर दरख्त बनाने में कराची वालों का हिस्सा है।
जिसका आज कराची वालों को पता ही नहीं है कि सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ के लिए सबसे पहले डोनेशन 5,00,000 रुपया गुलाम मोहम्मद साहब ने दिया और वो डॉक्टर अब्दुल हई आरफी और डॉक्टर याकूब साहब की गुजारिश पर दिया। ये फूल खैरात में नहीं पाए हैं, खून दिल सर्फ किया है तो बाहर आई है। ये सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ 1935 में कायम हुई और इसको जितनी जिला डॉक्टर मोहम्मद याकूब और डॉक्टर अब्दुल हई आरफी ने दी। डॉक्टर अब्दुल हई आरफी का तो कमाल यह है कि आजकल मैं आपको बताऊं, असर हाजर के तकाजों में ये एक किताब है, ये उस वक्त डॉक्टर अब्दुल हई आरफी ने लिखी और सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ को गिफ्ट कर दी और कहा कि इसको शाया करें। ये आज जो चिकन गोनिया है, डेंगी है, मलेरिया है, इसको अगर आपने डॉक्टर हजरात ने समझना है तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इस किताब को जरूर पढ़ें, जो डॉक्टर अब्दुल हई आरफी की किताब है। सुरूर इल्म है कैफे शराब से बेहतर, कोई रफीक नहीं है किताब से बेहतर। अच्छे डॉक्टर के लिए जरूरी है कि वो किताब का मुतालिया करें। हमारे डॉक्टर हजरात ने किताब से अपना रिश्ता तोड़ दिया है, जिसकी वजह से आज वो कहरे मुजिल्लत में मुब्तला है और वो कम्बिनेशन की तरफ चले जाते हैं, हालांकि होम्योपैथिक तो टोटल क्लासिकल होम्योपैथी है। और ये मैं आपको बताऊं कि ये डॉक्टर अब्दुल हई साहब की लिखी हुई किताब, मुझे इस वक्त कोई हाल में कोई एक भी डॉक्टर नहीं कह सकता कि ये किताब मेरे पास मौजूद है। इसकी बुनियादी वजह क्या है कि सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ का तनावर रख कराची में 1970 के बाद मुरझा गया। 1970 के बाद कराची में सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, गुल गए, गुलशन गए, बाकी धतूरे रह गए, शेर चीते उठ गए, बाकी कतूरे रह गए, ट्यों 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 ट्यों। दोस्तों खुदा की कसम, कराची में इतने मर्द मुजाहिद पैदा हुए होम्योपैथी में, और कराची में जो होम्योपैथ डॉक्टर अब्दुल हई आरफी रहमतुल्लाह अलैह का किरदार है, इसका कमाल यह है कि जब ये इस दुनिया से रुखसत हुआ तो इसके जनाजे में जियाउल हक जो इस मुल्क का सदर था वो शामिल हुआ। कराची के दारुल उलूम कोरंगी में ये दफन है। अच्छा होम्योपैथ डॉक्टर अगर आपको देखना है तो वो डॉक्टर अब्दुल हई आरफी है। ये सिर्फ डॉक्टर नहीं है, आरफे बिल्ला भी हैं। और मैं जब इनके पास जानवे तलबुल तय करता था तो ये कुछ इनके निशाते फिक्र है जो मैं आपकी खिदमत में गोश गुजार करना चाहता हूं। डॉक्टर आरफी साहब कहते थे, बेटा याद रखो होम्योपैथ डॉक्टर जब भी नुस्खा लिखे ये सोच ले कि मुझे इसका हिसाब किताब देना है। मेरे अजीजाने ग्रामी मोहतरम, आप हमारी बेटियों की तरह हैं जो डॉक्टर यहाँ बैठी हैं, कई मेरी शागिर्द हैं, कई इस वक्त आपको हैरान बताऊं, डॉक्टर रियाना है ये मेरी शागिर्द है, अभी पोती शागिर्द भी बसमा वो भी यहीं बैठी हुई है, और मेरे शागिर्द हैं जिनको मैंने सिंगल रेमेडी की तरफ तरगीब दी है। और क्लासिकल होम्योपैथी डॉक्टर अब्दुल हई आरफी ने जो की, डॉक्टर याकूब ने की, और उसके बाद मैं आपको बताऊं उनके कुछ नुस्खे मैं आज आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। खास तौर पर जो आजकल चिकन गोनिया चल रहा है, होम्योपैथ डॉक्टर जो है वो परेशान है, हालांकि डॉक्टर अब्दुल हई आरफी ने इस किताब के अंदर वाज़े तौर पर लिखा है कि ये तकलीफ इस टाइप की हो तो हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर कौन सी दवाई दी जाए। इसके लिए इस किताब के अंदर अगर आप इसका मुतालिया करें तो सराहत के साथ है कि सबसे पहले आप उनको लेप्टांड्रा दें। कौन सी दवाई? लेप्टांड्रा। और फिर बायोकेमिक दवाइयां भी बताई हैं डॉक्टर अब्दुल हई आरफी रहमतुल्लाह अलैह ने। बायोकेमिक दवाइयां डॉक्टर मसूद साहब को जब आपने तजर्बात की रोशनी में बताई तो डॉक्टर मसूद ने उनको सीटी नंबर में लिखा, सीटी मलेरिया एक है, नेट्रम मेयोर, नेट्रम सल्फ, सेरम फास,
सिक्स एक्सरे, फिर लिख लें डॉक्टर साहबान जो मुब्तदी हैं या जो मेरे शागिर्द हैं या जो खोशा चीनी करना चाहते हैं या जो लोगों का सही इलाज करना चाहते हैं, तो बायोकेमिक दवाई नेट्रम म्योर सिक्स, नेट्रम सल्फ सिक्स और सैरम फास सिक्स, ये तीन दवाइयां अगर आप बायोकेमिक के तनाजर में देंगे, इसके साथ साथ मदर टिंचर के सिलसिले में जो डॉक्टर मसूद का काम है, होम्योपैथिक मदर टिंचर तहकीकुल अदविया, आप किताबें पढ़ें। भाइयों डॉक्टर हजरत, आपसे मेरी गुजारिश यह है कि डॉक्टर मसूद ने सबसे पहले ऑर्गनन का उर्दू में तर्जमा करवाया। उर्दू जुबान के लिए जो काम डॉक्टर मसूद ने किया आप सोच नहीं सकते। सन 1935 में सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ कायम हुई, लेकिन उससे पहले 1930 में होम्योपैथिक मैगजीन कायम किया। होम्योपैथिक मैगजीन, अगर डॉक्टर अच्छा डॉक्टर है तो उसके क्लिनिक में हर महीने होम्योपैथिक मैगजीन आना चाहिए और उसका उसे मुतालिया करना चाहिए। आज आपको एक मैं इंकशाफ करूं, ये गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये रिकॉर्ड है जो डॉक्टर मसूद ने किया, जो आज कायम है, जो सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ की वजह से कायम है, जो उर्दू को वकार डॉक्टर मसूद और सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ ने दिया, उसको अगर आप गौर से देखें तो ये नजर आता है कि 1930 में जो होम्योपैथिक मैगजीन शाया हुआ आज 2017 में भी मुतवातर शाया हो रहा है। 50-60 सफ़े का एक मैगजीन, इसकी 86 जिल्दें बन चुकी हैं, 86 जिल्द, एक जिल्द के 500 सफ़े हैं, 86 को 500 ज़रब दें तो 43,000 सफ़ात होम्योपैथिक मैगजीन के इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं जो उर्दू जबान के अलावा किसी जबान में नहीं है। और ये एक सिर्फ सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ का है कि 43,000 पेजेस इन उर्दू होम्योपैथिक लिटरेचर होम्योपैथिक मैगजीन में। और आपको हैरत की बात बताऊं कि होम्योपैथिक मैगजीन दुनिया का वाहिद होम्योपैथिक मैगजीन है जिसमें किसी भी कंपनी के इश्तिहार शाया नहीं होते, किसी भी कंपनी के किसी भी होम्योपैथिक के इश्तिहार शाया नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, हाउस जर्नल डॉक्टर्स की तहकीकात। या मेरे मोहतरम वाइस चेयरमैन डॉक्टर भट्ट, डॉक्टर अमजद अली जाफरी साहब मौजूद है, इनके रिशात फिक्र अगर आपको पढ़ने हो तो वो आपको होम्योपैथिक मैगजीन में मिलेंगे। और इसके अलावा और भी हमारे, लेकिन अब ये इस वक्त मैं या डॉक्टर जाफरी साहब, भाइयों चिरागे सहरी हैं, किसी वक्त भी पूछ सकते हैं। आज हम आपके सामने ये पैगाम लेकर आए हैं कि खुदा के लिए इस सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ की शमा को रोशन करें। हमारे बयानी साहब हैं, नौजवान हैं, यंग हैं, और हमारे सलमान हैं, नौजवान हैं, यंग हैं, हम इनकी मदद करेंगे। हम इनको जितनी भी इल्मी तौर पर कोशिश होगी, और आपसे भी हमारी गुजारिश है, सिर्फ और सिर्फ ये कि होम्योपैथिक में सिर्फ कॉलेजों से पढ़ने से होम्योपैथ नहीं बनता, आपको किसी ना किसी अच्छे होम्योपैथ के पास जानवे तलमुस तय करने पड़ेंगे और उसके बाद आपको इस चीज का पता चलेगा कि अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर कौन है। और ये मैं आपको बताऊं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दानाई की जड़ क्या चीज है, हिकमत की जड़ क्या चीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रासुल हिकमत व मखाफतुल्लाह, होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए सबसे पहले जो दानाई है वो क्या चीज है, खौफ खुदा। आप जब दवाई दें तो खुदा का खौफ अपने जहन में जरूर रखें। दुनिया के लिए इतनी मेहनत करो जितना दुनिया में रहना है, आखिरत के लिए इतनी मेहनत करो जितना आखिरत में रहना है। होम्योपैथिक डॉक्टर मसीहाई है और इसके लिए आपको खौफ खुदा जरूर जेन में रखें, नुस्खा लिखते वक्त भी और दवाई देते वक्त भी। और मैं इस सिलसिले में आपको एक बहादुर शाह जफर का एक शेर बताता हूँ। बहादुर शाह जफर को जब रंगून में कैद किया गया तो टाइम्स ऑफ लंदन के एडिटर ने उनका इंटरव्यू लिया, साथ में ट्रांसलेटर थे। उन्होंने बोला हजरत आपने बादशाही भी देखी, आपने ऐशो इशरत भी देखा, अभी आप जेल में हैं और मफलूकुल हाल हैं, हालत आपकी ये है, अब आप अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ तो मुझे बताएं। तो उसने पता क्या कहा, आप ये गौर से इस चीज को डॉक्टर हजरत पल्ले बांध ले, हाउ टू बी ए गुड होम्योपैथ इस शेर की रोशनी में बन सकता है। जफर आदमी उसको न जानिएगा,
जफर आदमी या आदमी से मुराद होम्योपैथिक डॉक्टर, जफर आदमी उसको न जानिएगा ख्वाह कितना वो फहमो जका, जफर आदमी उसको न जानिएगा ख्वाह कितना वो फहमो जका, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा, वमा अलैना इल्ला अल बला।